सबसे पहले आप तस्वीर देखें। जो बरस रहे कागज के टुकड़े नहीं, नोट है। जामनगर जिले के कालावाद गांव में कल रात हुई नोटों की बारिश। नोटों की बारिश मौका था लोक साहित्य के आयोजन का। प्रोग्राम का आयोजन किसी एनआरआई व्यापारी ने किया था। इस कार्यक्रम में कम से कम 4.5 करोड़ रुपए खुलेआम उड़ाए गए। इनमें से सभी नोट 100 और 500 के थे। सौराष्ट्र में ऐसे प्रोग्राम अक्सर होते रहते हैं, पर इतनी बड़ी रकम के पैसे कलाकार पर उड़ते पहली बार देखे गए। गोपी गांघर इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। गोपी, ये कहां का मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशांत कि ये राजकोट के पास, जामनगर के पास कालावत करके एक जगह है, वहाँ का ये प्रोग्राम है। तुलसीराम गढ़वी जो भी गुजरात के जो गुजराती साहित्य है वो गाने के लिए काफी मशहूर है, उसके माने जाते हैं। उनसे उन्होंने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया था, वहाँ पे एक अफ्रीका के व्यापारी आए हुए थे। उन्होंने करीब 100 से लेकर 500 तक की नोटें यहाँ पे उड़ाई है। करीब 4.50 करोड़ की जो रकम है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि जो कलाकार थे उनसे उड़ाई गई है। सौराष्ट्र के अंतर निशान में आपको बता दूँ कि कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो ज्यादा, मैं रोकूंगा आपको क्योंकि